हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का बहुत ही फेमस एंड जिसको लोग सब पसंद करते हैं, द पिकअप ट्रक बाय इसुजु डीमैक्स वी क्रॉस 4x4। अब जिसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आने लगा है एंड काफ़ी चेंजेस है इसमें, सब डिस्कस करेंगे। एंड लेंथ इज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है इसकी, 5.3 मीटर्स, तो लेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रंट से अगर हम देखें, पहले से थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें, जैसे हेडलैम्प चेंज हुआ है इसका, फ्रंट चेंज है एक तरह से। एलईडी हेडलैम्प मिलता है, फॉग लैम्प हैलोजन है इसमें, बाकी डीआरएल्स इंडिकेटर, और यहाँ पे पूरा एक क्रोम फिनिश में ग्रिल मिलता है इसका। इसमें इसुजु ब्रांडिंग भी है, आगे बम्पर पूरा फुल प्लास्टिक, नीचे इंजन क्रैश गार्ड, ताकि अगर आप ऑफ रोडिंग करें तो इंजन पे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। यूजुअली ऑफ रोडिंग के टाइम पे लीक्स हो जाते हैं काफ़ी, मतलब इंजन में लग गया, ट्रांसमिशन लीक कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस 225 mm, काफ़ी अच्छा। बड़े ORVM क्रोम्ड आउट के, पूरे दोनों ही क्रोम्ड आउट, वी क्रॉस बैच, रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड डोर, बी पिलर्स ब्लैक्ड आउट, फंक्शनल रूफ रेल्स, जो कि आई गेस नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका बूट ही काफ़ी बड़ा है एंड यूजेबल है। बाकी ऊपर एक शार्क फिन एंटेना भी मिल लेगा, फुटस्टेप एंड ये शार्क फिन एंटेना। ऑफ फ्रंट सस्पेंशन मिलता है इसमें, इंडिपेंडेंट डुअल विशबोन कॉइल स्प्रिंग के साथ, 18 इंच का आपको इसमें फ्रंट टायर मिलेगा, डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ, 255/60 R18। यहाँ मिलता है ड्यूलर एच टीम टायर, जो कि लोग प्रेफर करेंगे AT मीन्स ऑल टेरेन, HT इज हाई टेरेन, एंड सेम टायर साइज पीछे भी है, बट पीछे मिलेगा आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ताकि ज़्यादा लोड कैरी किया जा सके, एंड वो सस्पेंशन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी रखे। फिर बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है 4095 liters, अराउंड 1500 ही हो जाता है वो। और पेलोड कैपेसिटी इसकी 265 kilometers मिलती है एज़ पर दी RTO अप्रूव्ड। बाकी टेल लैम्प्स पीछे से सिंपल लोग, ज़्यादा कुछ वो नहीं है डिज़ाइन चेंजेस में। बाकी LED टेल लैम्प्स, बाकी सब हैलोजन में, जेड प्रेस्टीज DDI की बैजिंग, इसुजु का स्टिकर, इसुजु डीमैक्स, पीछे रियर सेंसर्स मिलते हैं पार्किंग के, एंड एक स्पेयर व्हील सेम साइज, और उधर साइलेंसर भी है, इसका हैंडल, और यहाँ पे कैमरा, और ये पूरा फ्लैट बेड। लोग ज़्यादातर कस्टमाइज भी करवा लेते हैं एंड सिंपल भी रखते हैं, एंड इसमें कोई हाइड्रोलिक नहीं मिलता, सब नॉर्मल हिंजेस में, एंड एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिलता है देखने को। बट आई गेस अगर वो पीछे भी होता ना एक लैम्प, तो ज़्यादा अच्छा भी लगता वो। ये इसका रियर बम्पर जिसमें क्रोम फिनिशिंग मिलती है, और ये इसका फ्यूल लेट जहाँ पे डीजल भरा जाएगा, 55 liter डीजल टैंक है इसमें। और अब हम देखते हैं रियर डोर पैनल्स, ये सारे ही मतलब फुल प्लास्टिक है वो भी, क्रोम फिनिशिंग, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, लेदर टच भी मिलता है थोड़ा बहुत हैंडल्स पे। बाकी चारों विंडोज़ पावर्ड है, स्पीकर, और यहाँ पे एक बॉटल आ जानी चाहिए 1 liter की शायद से, क्योंकि स्पेस इतना बड़ा नहीं है तो कहना मुश्किल है। बाकी ये केबिन इंटीरियर, लेदर अपहोल्स्ट्री मिलता है आपको इसमें, एंड पीछे का बेंच 60-40 स्प्लिट, सभी हेडरेस्ट, चारों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है इसमें। अंडरफुट रेस्ट काफ़ी टाइट है, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं है ज़्यादा, बट आई गेस कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। बाकी नी रूम ठीक है, डिसेंट है, अंडर थाई सपोर्ट पुअर,
अंडर थाई सपोर्ट पुअर है इस गाड़ी का। लॉन्गर जर्नीज पे ये बहुत दिक्कत करेगा पीछे के पैसेंजर्स को, ब्रेक्स लेने ही पड़ेंगे आप लोगों को थोड़ा सा। मतलब जो सेडान की सीट्स होती है ना, ऐसा लगता है कि वो ही ला के रख दी गई है यहाँ पे। यूजुअली सेडान्स में बैक का थोड़ा रिक्लाइनर ऐसा होता है, और बाकी हेडरूम इज़ डिसेंट, हेडरूम्स में अच्छा है। अंडर फुटरेस्ट एंड अंडर थाई सपोर्ट अच्छा हो सकता था और भी, बाकी पीछे बच्चे ही बैठ पाएंगे उनके लिए ही ठीक है। छोटा सा हम्प है, बाकी पीछे एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है पीछे के पैसेंजर्स के लिए, जिसमें कोई कप होल्डर कुछ नहीं है, एंड आइसोफिक्स माउंट्स भी मिलते हैं इसमें। बाकी सीट बेल्ट के पॉइंट्स, फ्रंट सीट बेल्ट एडजस्टेबल है, उनकी हाइट एडजस्टेबल है, पीछे के ग्लास पे वो भी है डिफॉगर, और ये इसमें स्पीकर्स मिलते हैं रूफ पे भी। फ्रंट सीट्स में मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं इसमें, बाकी ये ग्रैब हैंडल्स हुक, चारों ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे इसमें आपको, पर हुक पीछे ही मिलेंगे। और ये यूएसबी पोर्ट, सी पोर्ट नहीं है। बाकी नीचे कप होल्डर्स मिलते हैं काइंड ऑफ, बट बॉटल्स भी आ जानी चाहिए उसमें। प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा मतलब है इसमें, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, बिकॉज लोग ज़्यादातर इसको ऑफ रोडिंग पर ही यूज़ नहीं करेंगे, लॉन्ग जर्नीज पर भी लेके जाएंगे ही जाएंगे इसको या मैगजीन होल्डर। एंड ऐसे से कुछ इसका डैशबोर्ड लेआउट है, बिल्कुल बेसिक है, कोई ज़्यादा गिमिक टाइप नहीं है, कुछ मतलब शो ऑफ टाइप नहीं है, बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्टिक। ओके, तो यहाँ पे मिलेंगे कुछ कंट्रोल्स देखने को। पहले तो मिलता है एक ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का कंट्रोल है, बाकी ये इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये वो नहीं, ये जब आप रेड लाइट पर रुकते हैं ब्रेक मारते हैं तो वो वाला स्टार्ट स्टॉप है ये। ये स्टीयरिंग व्हील, लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स मिलेंगे सारे ही इंफोटेनमेंट के, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, एक छोटा सा MID इसमें जो आप टॉगल कर सकते हैं हेडलाइट और वाइपर स्टॉक से। तो यहाँ से एक लेफ्ट साइड टॉगल कर सकते हैं, एक तरफ से आप राइट साइड टॉगल कर सकते हैं, बाकी वही सब दिखाएगा, रेंज, DPF, टेम्प, फ्यूल गेज कितना है, मतलब फ्यूल डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब। ये इसका बेसिक्स, एक स्टीयरिंग व्हील, ये क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड सारे इंफोटेनमेंट, टच स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं, ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है इसमें। बाकी नीचे ऑटोमेटिक AC का सिस्टम मिलता है, एंड 22 सेंटीमीटर्स का एक टच स्क्रीन है इसमें। बाकी थोड़ा सा स्पेस भी आगे डैशबोर्ड में, तो ये पार्ट सिर्फ यही एक वो है इसमें लेदर वाला, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलेंगे इसके सारे आपको AC वेंट्स, जो कि अच्छे हैं। ये इसका टच स्क्रीन, ब्लॉपंक का टच स्क्रीन है, जो कि IS बेसिक है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब मिल जाता है, बट वो सब वायर्ड है, वायरलेस नहीं होगा इसमें। कुछ कुछ खास दिखाने को भी नहीं है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे मिलते हैं आपको इसमें ड्राइविंग मोड्स, मेन मोड्स तो यही है, 2H, 4H, 4L, और ये 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है आपको इसमें। यहाँ पे 6-speed मैनुअल का भी ऑप्शन मिलता है इसमें, तो मैनुअली भी कर सकते कंट्रोल। और ये ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स, जो कि आई फील थोड़ा और अच्छे से डिज़ाइन किया जा सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं मतलब पूरे पैनल पे एक सर्कुलर पार्ट में ही कंट्रोल्स हैं, जो कि अगर थोड़ा सा स्प्रेड आउट रहता तो अच्छा लगता वो देखने में। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ऊपर स्टोरेज के लिए, एंड वहाँ पे एक मिलता है 120 वॉट का सॉकेट, जहाँ पे आप चार्जर ले सकते हैं, लगा सकते हैं।
नीचे ग्लव बॉक्स जो कि बहुत ही छोटा है, कूलिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलता ऊपर ना नीचे, ये थोड़ा सा स्पेस वहाँ मिल जाता है नीचे, एंड एक ये सिगरेट लाइटर जो कि नहीं है, 12 सॉकेट है ये, एक और USB पोर्ट। यहाँ पे इस गाड़ी में सी पोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको, जो कि देने चाहिए थे इस प्राइस पॉइंट पे। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ 27 लाख अगर कोई स्पेंड कर रहा है तो मिलना चाहिए ये सब। टेलीस्कोपिक नहीं है स्टीयरिंग व्हील, सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है, और ये पार्क असिस्ट के लिए। थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाएगा आपको इसमें, सेंटर कंसोल के सेंटर आर्मरेस्ट में, बड़ा है बट कूलिंग का ऑप्शन होता तो और अच्छा होता, बट इसमें काफ़ी कुछ सामान रख सकते हैं फिर भी आप। दो कप होल्डर्स यहाँ मिल जाते हैं, और ये इसकी कीज़। ड्राइवर सीट इसकी है फुल्ली इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, साइड वाली भी, तो एक चीज़ अच्छी है इसमें। और ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं ए पिलर्स में ताकि अंदर चढ़ने में आसानी हो। अब हम चलेंगे इंजन बे की तरफ एंड देखते हैं कि क्या इंजन है वहाँ पे। ओके, तो ये है इसका इंजन, VGS टर्बो इंटरकूल डीजल इंजन है, 1.9 लीटर, 160 हॉर्स पावर एंड 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है इंजन। 4 सिलेंडर यूनिट है एंड ये सपोर्ट करेगा रियर व्हील ड्राइव, 4x4 फोर व्हील ड्राइव ऑल्सो, एंड ऑटोमेटिक का भी, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ही सपोर्ट करेगा ये। काफ़ी अच्छे से मतलब बिठा रखी है हर एक चीज़, ऐसा नहीं लगता कि हाँ स्पेस छोड़ दिया काफ़ी। इंसुलेशन पैनल भी दे रखा है प्रॉपर इसमें, बट डीजल इंजन है, आवाज़ आएगी ही आएगी केबिन में कोई सी भी गाड़ी हो। एंड माय फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस व्हीकल, आई गेस यू शुड कंसीडर दिस व्हीकल बिकॉज इससे मतलब एक थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे आप तो आपको वो हाइलक्स मिलेगा, हाइलक्स के नीचे ये, तो यू शुड लाइक कंसीडर दिस, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। That's all in this video. I hope you liked it. Like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Thank you.